वेलकम स्टूडेंट्स टू चैनल स्टडी 24/7 आई एम विद दी वीडियो ऑफ परसेंटेज टॉपिक एंड इन विच आई एम डिस्कसिंग पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब इसमें हम देखिए जो भी परसेंटेज के प्रॉब्लम होते हैं उसमें फोर टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगे, या फिर एग्जामिनेशन के मार्क्स के वो प्रॉब्लम्स आएंगे, या फिर कंजम्पशन रिलेटेड की प्राइस ऑफ कमोडिटी अगर इंक्रीज कर दिया तो कंजम्पशन कितना रिड्यूस होगा या डिक्रीज कर दिया तो कितना बढ़ेगा, इस टाइप के, या फिर इलेक्शन कैंडिडेट के जो प्रॉब्लम होते हैं कि इतने परसेंट वोट मिले तो फिर कितने परसेंट लोगों ने वोट किया था। ये जो फोर टाइप्स है इससे ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हमें परसेंटेज के टॉपिक में मिलते हैं। ठीक है, सो गाइज हम उसमें जो एक टॉपिक है पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसमें तीन कंसेप्ट आते हैं पॉपुलेशन रिलेटेड में, उन तीन कंसेप्ट को आज हम देखेंगे। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये कंसेप्ट है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, आप आपके वे से भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कंसेप्ट है तो आपको जल्दी सॉल्व करने में आसानी जाएगी। ठीक है, सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला कंसेप्ट क्या है, इफ द ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज पी एंड द एनुअल इंक्रीज इज आर परसेंट, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन यन ईयर्स। अगर आपको प्रॉब्लम में बताया गया है कि ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज पी, पी दिया हुआ है, ठीक है, यानी ओरिजिनल पॉपुलेशन आपको दिया हुआ है और उसमें एनुअल इंक्रीज बोली गई है फोर आर परसेंट की, देन आफ्टर सम ईयर्स कितना पॉपुलेशन रहेगा, अगर ये आपको पूछा है तो गाइज जस्ट आप ये फॉर्मूला जो है पी इंटू वन प्लस आर बाय हंड्रेड रेस्ट टू द पावर एन, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। इसमें पी जो है ये पॉपुलेशन है, आर जो है ये एनुअल इंक्रीज रेट है, और एन जो है ये है आफ्टर कितने ईयर्स के बाद आपको पूछा है वो एन। ठीक है, सो गाइज हम इसके बेस पे एक एग्जांपल देखेंगे और समझ लेंगे इस कंसेप्ट को। इफ द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 4% एंड द प्रेजेंट नंबर ऑफ पीपल इज 15,625, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 3 ईयर्स। अभी इस प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि अगर 15,625 ये अभी का पॉपुलेशन है इस टाउन का, और अगर इस टाउन की 4% से इंक्रीज़ होती है एनुअल इंक्रीज़ होती है तो 3 साल बाद कितना पॉपुलेशन रहेगा। ठीक है, तो गाइज इस फॉर्मूले के थ्रू हम इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। जैसे हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, जैसे 15,625, ठीक है, ये हमारा रहेगा पॉपुलेशन इनटू क्या है 1 प्लस और एनुअल इंक्रीज कितनी है 4 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और रेशियो दी पावर कितने साल बाद पूछा है 3। ठीक है, सो गाइज इसको बस हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर बनता है 17576। ठीक है, कुछ नहीं, 26/25 होल क्यूब बनता है, और 25 से इसको पूरे 25 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 26 क्यूब बचेगा और 17576 के आंसर आएगा आपका। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं गाइस। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो आपको ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 4%। देखिए 4% से रेट इंक्रीज हो रहा है, देर इज़ एन एडिशनल एनुअल इंक्रीज ऑफ 1%। ठीक है, एडिशनल एनुअल इंक्रीज भी बताई हुई है 4% की इन द पॉपुलेशन ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ जॉब सीकर्स। ठीक है, जॉब सीकर्स जो थे वो ऐड हो गए तो 1% इंक्रीज और हो गया पॉपुलेशन में, देयरफॉर द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स विल बी। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना रहेगा आफ्टर 2 ईयर्स, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, सो गाइज इसमें भी आपको ये ध्यान में रखना है कि टोटल एनुअल इंक्रीज फिर कितना रहेगा, 4% + 1% यानी कितना हो गया 5%, राइट, ये आपका
एनुअल इंक्रीज़ हो गया। तो बस अब आपको एज्यूम करके चलना है कि 100 पॉपुलेशन थी पहले, राइट? एज्यूम कीजिए कि पहले 100 पॉपुलेशन थी, अब हमारा जो फॉर्मूला है 1+, ये हमने टोटल एनुअल रेट निकाला 5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है? और कितने साल बाद पूछे आपको, 2 साल बाद। बस इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बस आपको ये जो 1% है ये भी ऐड करना था 4% है उसमें, और फिर 4+1 कितना आ गया, 5, ठीक है? सो ये आपका बन गया अभी एनुअल इंक्रीज रेट। अब हमारा जो फॉर्मूला था ऊपर का पी इंटू, तो पी हमने एज्यूम किया 100 था पहले, फिर 1+ हमें रेट तो अभी पता है 5%, 5 डिवाइड बाय 100 होल स्क्वायर, ठीक है? इस हिसाब से ये आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है? सो गाइज आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स को ऐसे फेस करना है। अब हम इसमें ही नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे कि दूसरा कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है? जैसे ये रेट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स। देखिए जो रेट होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट ईयर्स के लिए, यानी जैसे आपको पहले साल में 10% इंक्रीज बोली होगी, दूसरे साल में 15% इंक्रीज बोला होगा, ठीक है, पॉपुलेशन में, लेकिन इंक्रीज ही बोला होगा, यहाँ पे हम डिक्रीज की बात नहीं कर रहे। सो रेट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, हर साल के लिए अलग डिफरेंट से रेट पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करेंगे गाइस, इसको हम इस फॉर्मूला से टैकल करेंगे। जैसे पी इंटू 100 जो पहले साल का इंक्रीज दिया है वो ऐड कीजिए, इंटू 100+ जो दूसरे साल का इंक्रीज दिया उसको ऐड कीजिए, ऐसे सो ऑन आप ऐड करते जाइए, और डिवाइडेड बाय जितने भी साल का आपको ये इंक्रीज रेट दिया हुआ है उतने 100 आप डिनोमिनेटर में लिख लीजिए। जैसे हम प्रॉब्लम के थ्रू समझ लेंगे इसको, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8,000, इट इंक्रीजेज बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड बाय 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, वॉट इज़ द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। देखिए एक बार हमें 10% से इंक्रीज बोला है, एक बार हमें 20% से इंक्रीज बोला है, टोटल पॉपुलेशन भी दिया हुआ है, तो गाइज हमें डायरेक्टली 8,000 इंटू 110, क्योंकि 10% से इंक्रीज है तो 110 एंड 120, और 2 साल के लिए बोला हुआ है ये इंक्रीज, 2 साल में तो 200 लेंगे हम, ठीक है गाइस? थोड़ा राइटिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो समझ लीजिए, 100, ठीक है, 2 टाइम्स 100 है ये, तो 100 इंटू 100 गाइस जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे अप्रॉक्स इसका आंसर मोस्टली 10,560 के आसपास आएगा, 10,560 के आसपास, ठीक है? बस कैलकुलेशन ही बचता है गाइज, हमें कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि कंसेप्ट क्या होना चाहिए। कभी कभी हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इन टाइप के प्रॉब्लम्स में, फिर कैलकुलेशन लेंदी कर देते हैं। अगर हमें फार्मूला पता है तो हम इजीली ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है? अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे गाइज। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि इंक्रीज जो है ये एक साल के जो 1 ईयर है उसमें इंक्रीज हो रहा है, और नेक्स्ट ईयर है उसमें डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? जैसे पहले साल में अगर इंक्रीज हुआ है तो दूसरे साल में डिक्रीज हुआ है, ठीक है? तो इस प्रॉब्लम को भी हम, जैसे ऊपर हमने क्या किया था कि इंक्रीज वाले को ऐड किया था 100 में और पॉपुलेशन इंटू में था, और यहाँ पे हमें डिक्रीज वाले को माइनस करना है 100 में से, ठीक है? और नीचे डिनोमिनेटर में जितने भी साल का हमें ये डेटा दिया हुआ है उतने साल, उतने 100 हमें लेने हैं डिनोमिनेटर में। सो गाइस हम प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 10,000, इट इंक्रीजेज बाय 10%, देखिए 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, इट डिक्रीजेज बाय 20% इन सेकेंड ईयर, एंड इट इंक्रीजेज अगेन बाय 30% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर, ठीक है? व्हाट इज़ द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स? देखिए हमें पूछा, बोला गया है कि 10,000 अगर पॉपुलेशन है, एक साल बाद 10% इंक्रीज होता है फर्स्ट ईयर में, उसके बाद 20% डिक्रीज होता है, और उसके बाद फिर से 30% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? तो 3 साल बाद पॉपुलेशन कितना रहेगा? सो गाइस इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं? कुछ नहीं, ऊपर का जो फॉर्मूला मैंने दिया आपको, बस उस हिसाब से आप अगर चलेंगे तो आपको इजीली आंसर मिलेगा। जैसे 10,000
ठीक है, 10,000 इंटू हमें क्या बोला है 10% इंक्रीज, तो 110 इंटू इंटू कितना आएगा, अब यहाँ पे डिक्रीज बोला है तो 100 में से 20 डिक्रीज कर दो 80, और फिर से बाद में क्या बोला 30% इंक्रीज तो 130 इंक्रीज बोला है, सो इंटू 130 और डिवाइडेड बाय कितने साल का डेटा दिया हुआ है हमें 3 साल का, ठीक है, सो इंटू 300 आएंगे, बस गाइज हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए पूरे जीरो जीरोस कट होके 11 इंटू 8 इंटू 1 इंटू 13 बचता है, सो 11440 ये आंसर आएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पे 11440 देखिए कैलकुलेशन ही बचता है, वो आप लोग प्रॉपरली उसको कर सकते हैं। मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया कि ऐसे अगर प्रॉब्लम आए कि एक साल इंक्रीज़ हो रहा है बाद में डिक्रीज़ हो रहा है फिर से इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपको बस जो इंक्रीज़ हो रहा है उसको 100 में ऐड करना है, जो डिक्रीज़ हो रहा है उसको माइनस करना है, और इनटू पॉपुलेशन हमारा जो दिया हुआ है, और नीचे जितने साल का आपको डेटा दिया हुआ है उतने 100 ले लीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं गाइस, अब ये जो प्रॉब्लम है इसको हम ये कोई भी कंसेप्ट नहीं लगाते हुए भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। जैसे इस प्रॉब्लम में बोला क्या गया है द पॉपुलेशन ऑफ टाउन, और ऐसा प्रॉब्लम देखिए 2012 एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आ चुका है, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 8000 पॉपुलेशन है, इफ़ द मेल इंक्रीजेज बाय 6% एंड द फीमेल बाय 10%, देखिए मेल 6% से इंक्रीज हो रहे हैं एंड द फीमेल 10% से इंक्रीज हो रही है, देन द पॉपुलेशन विल बी 8600, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द टाउन। देखिए इन्होंने ये कहा है कि अगर 6% से मेल इंक्रीज होते हैं 10% से फीमेल्स इंक्रीज होती है 8000 पॉपुलेशन के ऊपर, तो पॉपुलेशन बनता है 8600, तो नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है उस टाउन में, ठीक है। तो गाइज हमें इस प्रॉब्लम में कोई परसेंटेज का कंसेप्ट नहीं लगाना है, डायरेक्टली देखिए हमें हम यहाँ पे मिक्सचर और एलिगेशन जो होता है उसके हिसाब से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ हमें जो है एवरेज परसेंटेज इंक्रीज जो है वो निकालना है, एवरेज परसेंटेज इंक्रीज कितना है यहाँ पे, तो कितना है वो एवरेज परसेंटेज इंक्रीज 8000 के ऊपर कितना बड़ा 8600 यानी कितना बड़ा 600 किसके ऊपर बड़ा है 8000 के 8000 और इनटू 100, तो गाइज इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमें ये 7.5 मिलता है एनुअल परसेंटेज इंक्रीज हम निकाल रहे हैं इसका, ठीक है, यानी जो एक साल में बड़ा है एवरेज परसेंटेज इंक्रीज उसको निकाला हमने तो कितना बना 7.5%। बस अभी हमें दिया क्या हुआ है मेल और फीमेल, राइट। अब मेल कितना परसेंट से बढ़ रहा है 6%, फीमेल 10%, और हमारा एवरेज परसेंटेज इंक्रीज कितना है 7.5। बस एलिगेशन और मिक्सचर में आप कैसे सॉल्व करते हैं 7.5 माइनस 6 कितना होता है 1.5, और 10 माइनस 7.5 कितना होगा 2.5, राइट। सो गाइज ये क्या बन गया रेशियो 5:3, राइट 5:3 का रेशियो बन गया। बस हमें नंबर ऑफ फीमेल्स अगर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है रेशियो 5+3 8, और कौन से पॉपुलेशन की हमें नंबर ऑफ फीमेल निकालनी है जो पहले पॉपुलेशन था 8000, सो 8000 इंटू 8000, सो गाइज ये कितना बनेगा 3000, तो कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स वहाँ पे रहेगी 3000। कुछ नहीं, हमने एवरेज परसेंटेज इंक्रीज निकाला, अगर आपको ऐसे मेल और फीमेल के परसेंट इंक्रीज दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली और एक पॉपुलेशन दी हुई है और दूसरी इंक्रीज के बाद भी दी हुई है, तो आप एवरेज परसेंटेज इंक्रीज निकाल लीजिए कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, और उसके बाद फिर आप मिक्सचर और एलिगेशन का कंसेप्ट लगा के रेशियो फाइंड कीजिए, रेशियो फाइंड करने के बाद जो भी फीमेल का नंबर पूछा है फिर या फिर मेल का नंबर पूछा है वो आप निकाल सकते हैं। सो गाइज ये कुछ प्रॉब्लम थे, ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको यूज़ हो सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि पॉपुलेशन के कोई भी प्रॉब्लम हो इसी तरीके से प्रॉब्लम पूछा जाता है, ठीक है। सो आपको अगर कंसेप्ट माइंड में है तो आप इजीली उस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं गाइस, ठीक है। ऐसे ही रिडक्शन जो कंजम्पशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगे, इलेक्शन कैंडिडेट के जो प्रॉब्लम होंगे, एग्जामिनेशन मार्क्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं परसेंटेज से, वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियोज़ में। सो दिस इज सम्राट साइनिंग आउट, थैंक यू।